हेलो फ्रेंड्स, बॉस एंड बेब का सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियम गन के लिए कोकोनट जूस लेकर आता है और वहां पर गन लियम से पूछता है वो लास्ट नाइट कॉल के बीच में क्यों सो गया था, जिस वजह से गन उसे पूरी रात जगाने की कोशिश किया। और गन लियम को बोलता है नेक्स्ट टाइम से बिना देखे किसी भी चीज़ को जज नहीं करने के लिए, और वॉइस कॉल की जगह पर वीडियो कॉल पर बात करने का सजेस्ट करता है। और ये सब कहते हुए गन कोकोनट जूस पीता है, तो ये जूस गन को पसंद आता है और कहता है कि जब लियम का इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका पूरा कॉफ़ी का जिम्मेदारी उसके न्यू इंटर्न का उठाना पड़ेगा। तो ये देखकर लियम खुश हो जाता है और बोलता है कि गन इस दुनिया का बहुत से चीज़ को नज़रअंदाज करता है, तो वो अब अपने बॉस यानी कि गन के लिए कॉफ़ी देखना स्टार्ट कर देगा। और सोचते हुए कहता है कि वो नेक्स्ट डे गन के लिए क्या लाएगा। और ये सब कहते हुए लियम यहाँ से चले जाता है वापस काम करने के लिए। और हम गन को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है। और इसके बाद जब लियम दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ होता है तो यहाँ पर ये सब बात कर रहे होते हैं। और जैक लियम से पूछता है कि जब उसका इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा तो क्या वो इस कंपनी में जॉब करेगा, तो लियम कहता है कि वो जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो गेम खेलकर ही रिच बनना चाहता है। तो वहाँ पर वही दो लड़की बात कर रही होती है जो लियम को गन के बारे में वार्न की होती है। वो दोनों लियम की बातों को सुनकर लियम को सुना रही होती है कि कंपनी के सीईओ का पार्टनर बन के भी वो रिच बन सकता है। तो लियम ये सुनकर उन दोनों के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो दोनों उससे बात कर रहे हैं, तो वो दोनों कहती है वो हमेशा लियम को बॉस के ऑफिस के बाहर होते हुए देखती है। और लियम से पूछती है कि जब वो लियम को वार्न की थी तो उस वक्त लियम सैड था, तो लियम बोलता है क्या मैं अपसेट था, बल्कि वो उन दोनों को थैंक्स कहा। तो यहाँ पर रेड हेयर वाली लड़की बोलती है लियम को इतनी जल्दी जज नहीं करने के लिए। और लियम से पूछती है क्या गन के तरफ से कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, यानी कि क्या गन उसे टच करने की कोशिश किया है, क्योंकि अदर पीपल्स बॉस के बारे में कहते हैं कि बॉस गे है। तो ये सुनकर लियम को अच्छा नहीं लगता है और उन दोनों से पूछता है कि वो सब कौन से ईयर में रहते हैं, क्या वो सब अभी भी इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है। और ये भी कहता है कि वो यस्टरडे एक पिटीशन साइन किया है जो कि एक मैरिड इक्वालिटी के बारे में है। और उन सब से पूछता है क्या वो दोनों बीएल सीरीज देखते हैं, तो वो दोनों अग्री करती है। तो यहाँ पर लियम कहता है कि लव हमेशा खुशी देती है चाहे किसी के भी पास हो। तो यहाँ पर लियम ये बोल ही रहा होता है तभी वो गन को देखता है जो इन सब की बातों को सुन लिया होता है, और गन वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। और जब गन ऑफिस में होता है तभी लियम आता है और पूछता है कि वो कितना उन सब की बातें सुना है। तो यहाँ पर गन बोलता है कि वही बात जो वो सब कह रही थी। तो लियम सीरियस होकर बोलता है अगर बॉस सीधे उन सब की बातों का जवाब दे देते तो वो सब कभी भी गन के बारे में गॉसिप नहीं करती। तो गन लियम के पास जाता है और बोलता है कि वो ऐसा क्यों करे, जो वो सब कह रही थी वो सच ही था। तो लियम ये सुनकर बोलता है कि उसे फिर भी अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर गन पूछता है कि लियम उससे क्या करवाना चाहता है, क्या वो उन दोनों के पास जाकर उसे घूर कर कहे कि वो कभी भी दूसरे एम्प्लॉयज़ को टच नहीं करता है। और लियम को समझाते हुए कहता है कि वो 20s के अबव हो गया है तो उसे रियलाइज्ड हो जाना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम का सफाई देना सॉल्यूशन नहीं होता है। तो लियम ये सुनकर कहता है कि वो सब 30s की हो गई है तो क्या उन्हें पता नहीं है कि उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। तो गन साफ साफ बोलता है कि वो उन सब की तरह नहीं है, अगर वो भी उन सब की तरह करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस दुनिया में बहुत से बैड पीपल है। और ये भी कहता है कि जब लियम बड़ा हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि कई मोमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर चुप रहना ही बेहतर सॉल्यूशन होता है। और गन लियम से पूछता है कि जब लियम गन के बारे में जाना था कि वो वुमेन को पसंद नहीं करता है तो ये जानकर लियम को कैसा लगा, क्योंकि जब भी वो दूसरे को इस बारे में बताता है तो वो सब उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लियम को गन के बारे में जानकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लियम से कहता है कि वो एवरी काइंड ऑफ लव को सपोर्ट करता है। और अपने फ्रेंड जो और थ्री के बारे में बोलता है कि वो दोनों सेम जेंडर होकर भी वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी कहता है कि जैक और उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है।
तो यहाँ पर गन लियम से बोलता है कि कुछ लोग उन्हें उस वक्त तक समझने की कोशिश करते हैं जब तक के पूरे तौर पर समझ ना ले। जब इन सबके जैसे लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कौन फादर है और कौन मदर। तो जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है तो ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी में सबसे अलग है, और जब वो दूसरे लोगों को बातें करते हुए सुनता है तो उसे डर लगता है कि लोग उन्हें डिस्कस्टिंग पर्सन ना समझे। तो जैसे ही गन ये सब बोल रहा होता है तभी लियम गले लग जाता है और उससे पूछता है अब क्या वो भी उसके लिए डिस्कस्टिंग फील करता है, और ये भी कहता है कि वो गन का बहुत से आदत को पसंद नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी गन को सेट करता है वो उन सब से नफरत करता है। तो यहाँ पर गन बोलता है कि वो पहले से ही बोला था कि वो लियम के स्किनशिप के तरह पर्सन को पसंद नहीं करता है। तो लियम उससे बोलता है कि वो सिर्फ उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश किया, और इसके बाद गन इस टॉपिक को चेंज करने का बात करता है और लियम को यहाँ से जाने को बोलता है। तो यहाँ पर लियम उसे ग्रिल चिकन देता है पर गन वो नहीं ले रहा होता है, तो लियम ज़बरदस्ती उसे दे देता है और वहाँ से चले जाता है। और नेक्स्ट सीन में जैक अपने गेम के बारे में देख रहा होता है, जो कि साइकिल मोशन कंपनी उसके गेम का कंटेंट और नेम और फंक्शन वगैरह को कॉपी कर लिया होता है, और ये सब यही न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गन आता है और जैक गन से कहता है कि जो गेम वो सब डेवलप किए थे वो साइकिल मोशन कंपनी कॉपी करके लॉन्च कर दिया है। तो गन वो न्यूज़ देखता है और उस कंपनी के सीईओ को देखकर गन उसे थाइम कहता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थाइम और गन फ्रेंड होते हैं और वो दोनों ही मिलकर फेनोमेनल गेमिंग कंपनी को ओपन करता है, और ये दोनों इस कंपनी को लॉन्च करके काफ़ी खुश होते हैं। और गन इन सबको नेक्स्ट डे मीटिंग अरेंज करने को बोलता है न्यू गेम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, और ओई से पूछता है कि नेक्स्ट मंथ जो गेम लॉन्च होने वाला था क्या उसके डेट का पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ओई बोलती है कि डेट को पोस्टपोन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि 80% काम हो चुका है। तो गन ओई को उसके बातों का फॉलो करने को बोलता है, और यहाँ पर जैक भी गन को कहता है क्या वो इतनी आसानी से इस प्रॉब्लम को जाने देगा। तो गन जैक को बोलता है कि वो कल ही न्यू कंसेप्ट के बारे में मीटिंग करेगा, और ये सब बोलकर वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद जब गन अकेले होता है तो उसके पास लियम आता है, तो गन लियम को देखकर बोलता है कि जब वो ऑफ मूड में होता है तो किसी का हिम्मत नहीं है उसके पास आने का। तो लियम कहता है कि ऐसा क्यों है, क्या वो मुझे बिल्डिंग से नीचे गिरा देगा। और वो बिल्डिंग का हाइट देखता है और बोलता है कि बहुत हाई है, और ये कहते हुए हंसने लगता है। तो यहाँ पर गन उसको सिर्फ देख रहा होता है, जिसे देखकर लियम कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो गन लियम से पूछता है क्या उसके डिपार्टमेंट के लोग उसको बात करने के लिए बोला है। तो लियम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब भी वो बॉस से बात करने के लिए मुंह खोलता है तो जैक ये देखकर उसे मानने के लिए आता है। तो ये सुनकर गन बोलता है अगर उसे कोई यहाँ पर नहीं भेजा है तो वो क्यों उसके पास आया है। तो लियम कहता है कि वो उसके लिए परेशान है क्योंकि वो गन को सह नहीं देख सकता। तो यहाँ पर गन बोलता है कि लियम झूठ बोल रहा है क्योंकि अदर पीपल्स हमेशा गन के बारे में बोलते हैं कि वो सब उसके फेस एक्सप्रेशन को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उसके फेस पर कोई तरह का रिएक्शन नहीं रहता है कि वो कब खुश होता है या फिर सैड होता है। तो लियम गन को कहता है कि लोग इसलिए इसके बात मानते हैं कि वो बहुत मूडी टाइप का पर्सन है, जिस वजह से लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो सब गन पर बिलीव करते हैं। और ये भी कहता है कि उसका फेस एक्सप्रेशन नज़र आता है कि वो क्या अपने अंदर फील करता है। तो यहाँ पर गन कहता है कि चेयर यानी के लियम सिर्फ ऐसा पर्सन है जो उसकी बात नहीं मानता है। तो ये सुनकर लियम कहता है थाईलैंड में 69 मिलियन पीपल्स है, तो गन हर एक किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसमें वो खुद है और लियम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और इसके बाद कहता है कि उसको गेम का कॉन्सेप्ट चेंज करने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत किए हैं इसे रेडी करने में। और जैक भी बहुत खुश था इस गेम को लेकर, और जैक ने उससे कहा था कि वो उस वक्त तक खुश होगा जब तक कि लियम इस गेम को खेलकर उससे ना कह दे कि ये गेम अच्छा है। और गन को बोलता है कि वो जो भी डिसीज़न लेगा सब लोग उसके डिसीज़न को रिस्पेक्ट करेंगे, और लियम गन को बारबेक्यू खाने चलने के लिए इन्वाइट करता है। और नेक्स्ट सीन में हम लियम का फ्रेंड को देखते हैं जो लियम के बॉस के लिए बारबेक्यू रेडी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जैक और लियम गन को लेकर आता है, तो ये सब गन को देखकर सैल्यूट करता है।
और यहाँ पर लियम गन से कहता है कि जैक वही पर्सन है जो गन के बारे में इन सब से शेयर किया है और गन को माइंड नहीं करने के लिए कहता है और ये सब डिनर इंजॉय करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो थ्री को फीड कर रहा होता है, तो जब ये लियम देखता है तो लियम भी गन को फीड करता है और यहाँ पर वो सब लियम को देख रहे होते हैं और गन इसे टेस्टी कहता है और ये सब हैप्पीली डिनर इंजॉय करने लगते हैं। और इसके बाद जब गन वहाँ से जा रहा होता है तो गन लियम को थैंक्स कहता है और ये भी कहता है कि उसको याद नहीं है कि वो कब एक ग्रुप के साथ डिनर इंजॉय किया है। तो यहाँ पर लियम कहता है कि वो गन को अपनी फ्रेंड से मिलाकर खुश है और गन को कल के बारे में सोचने को बोलता है। तो यहाँ पर गन लियम से बोलता है अगर उसे डर लगे कि वो सो नहीं पाएगा तो वो कॉल कर सकता है। तो लियम कहता है कि उसका गेम का प्रैक्टिस है जिस वजह से वो बात नहीं कर पाएगा और बोलता है कि रूम में जाने से पहले वो उसे मैसेज कर देगा। और इसके बाद गन वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर लियम भी अपने फ्रेंड के पास चले जाता है और यहीं पे सेकेंड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।